रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो सेशन है ये मैं सब सीनियर ऑडिटर के एस्पिरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, और भले वो जिसने तैयारी कंप्लीट कर ली है या जिसकी अभी तक तैयारी रहती है, सबके लिए मुफीद है। इस लेक्चर में मैं सबको, सपोज़ किसी की 100% प्रिपरेशन है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर किसी की तैयारी कम है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर किसी की सिरे से तैयारी नहीं है तो उसको आने वाले ये जो एक महीना तकरीबन है आपके पास, तो उसको कैसे यूज़ करना है ताकि आप भी एक इस आने वाले जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि FPSC की तारीख में ऐसे कभी कभार ही होता है कि 1000 के करीब पोस्ट आई हूँ, तो बहुत लक्की लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी की 100% भी बुक्स में तैयारी हो जाए तो जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो वॉश्ड हैं, जैसे उनको कुछ नहीं आता, लेकिन जब वो पेपर में जाते हैं तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। सारी चीज़ें असल में एक एग्ज़ाम का, आने वाले टेस्ट का एक खौफ होता है, एक नई चीज़ का जो होता है डर होता है, तो चीज़ें ऐसी फील होती हैं जैसे मेरी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये एक रिलेटिव कंपटीशन होता है, कोई ये नहीं है कंपटीशन आपका कि 100 में से 100 मार्क्स आप कैसे लेते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर एक आधी पोस्ट हो तो उसके लिए होता है कि 2000, 1000, 100, 200, कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो उनमें से हम जो है टॉप पे 10 में 5 में कैसे आ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली पहले ही लूज़ हो जाते हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो 1000 सीट्स हैं इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उनमें से सीरियस बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन उनको कहूँगा जो मेरे बैच 1, 2, 3, 4 के लोग मेंबर्स हैं। बैच 4 के निस्बतन कम, क्योंकि वो काफ़ी लेट थे, और बैच 1, 2, 3 जो थे काफ़ी इन टाइम थे, और बैच 1 तो मैं कहता हूँ कि अपनी तैयारी करें कि वो कैसे अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू करेंगे या उन्होंने फ्यूचर को, अपने करियर को कैसे ग्रो करना है। अगर शर्त ये है कि मेरे सारे लेक्चर बैच 1 में होते हुए उन्होंने लिए, क्विजेज जो थी इन टाइम की, तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। अब उनके लिए जो बैच 1, 2, 3, 4 हैं उनको क्या करना है कि उनका प्रोफेशनल सेशन ये वो सारा, जितना बैच 1, 2, 3 ने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, उनके लिए तो बहुत है। बैच 4 जो है निस्बतन अभी सेशन में है, तैयारी में है, तो वो भी हिम्मत करें। जैसे हमने लेक्चर 5, 5, 6, 6 लेक्चर के जो सेशन किए, इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और सारे जो बैच हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, आने वाले नए बैच में जो बैच नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आपके जो टेस्ट होंगे हमारे, उसमें आप लोग भरपूर शिरकत कर सकते हैं। कोई ममानत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ बैच 5 है। बैच 5 के साथ साथ आप भी उन टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़रूर करें। और दूसरे नंबर पे जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है, वो एक्स्ट्रा अगर कोई आप बुक पढ़ना चाहते हैं, MCQs को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आए तो आपस में डिस्कस कर लें। आप लोगों को पता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम शॉर्ट है कि मैं आप लोगों के जो मैसेज कुछ मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं बुक के स्नैप लेके, जी क्वेश्चन नंबर फलां है इसको सॉल्व करें, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। हाँ, कभी कभार मेरे पास टाइम हो, टेक्स्ट करके टाइम पूछ के आप मेरे साथ वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बारे में हम कैसे कर सकते हैं। तो बुक को फिर रीड करना, उसके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से कोई मुझे 5 नंबर बताता है या फलां नंबर को देखें, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे पहले ही माजरत कर रहा हूँ। और जो अभी जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि अब आप लोगों का यील्डिंग का टाइम है, आपका आउटपुट का टाइम है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन में जाएं, लेक्चर्स को दोबारा से अगर देख सकते हैं तो देखें, क्योंकि उनसे ही आपके कंसेप्ट की रिवीजन होती है। एक दफ़ा जब आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए निस्बतन वो क्या होता है कि इतना जो होता है वो लर्निंग तो बंदा बहुत कर रहा होता है, लेकिन ग्रिप नहीं हो रही थी। जो आपके एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म होता है तो आपको ओवरऑल पिक्चर जो होती है वो क्लियर हो चुकी होती है। तो दोबारा जब आप लेक्चर की तरफ जाते हैं तो आपके जो वो कंसेप्ट हैं आपको ज़्यादा डिटेल में पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये तो था सारी की सारी बातें
वो लोग जिनकी अच्छी तैयारी है उनको कैसे रिवीजन करना है, और ये यकीन रखें कि वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अगर शर्त ये है कि उन्होंने सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ इन टाइम मेरे साथ की। अगर एक्टिविटीज़ नहीं की तो भले वो बैच फरवरी से स्टार्ट मेरे साथ चल रहा है लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये आपको मालूम है कि आप लोगों ने कितनी उसमें साथ मेरे चले हैं। इसके बाद आता है वो लोग जो अभी जिनके हाथ पांव फूले बैठे हैं कि हम क्या करें, हमने तो कुछ तैयारी नहीं की, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सीनियर हैं वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 300 से 400 लोग हैं जो इतने मतलब कि एक्सपर्ट तैयारी कर चुके हैं। तो 1000 सीट्स मीन के तकरीबन 7 to 8000 रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन भी होती है लेकिन वो कोई और जॉब ज्वाइन कर चुके होते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो टेस्ट में अपीयर होते हैं, पेपर देते हैं और उनको उम्मीद भी नहीं होती, और 8 महीने 9 महीने 10 महीने गुजरते हैं तो लेटर पहुँच जाता है जी आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, और इंटरव्यू देते हैं तो साल गुजर जाता है, पता नहीं चलता केस का क्या बना क्या नहीं बना, फिर कॉल लेटर आ जाता है। तो FPSC का अनप्रिडिक्टेड है, जो आप लोगों ने टफ टाइम था बर्दाश्त कर लिया, जब एक दफ़ा आप पेपर दे लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो जिनकी तैयारी नहीं है मैं कहता हूँ आज भी उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 3 दफ़ा कह रहा हूँ। क्यों? अब वो थोड़ी सी हिम्मत करें तो वो जो टॉप के 8000-9000 है उनमें से सीरियस, जो पूरे पाकिस्तान से बात करूं तो 2000 से 3000 से ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं हैं। तो ऊपर की जो स्पेस है वो किसके लिए है? वो जो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे वो निकलेंगे ऊपर। तो आप लोग ये लास्ट जो आपका मंथ है इसको प्रोग्रेसिवली, इसको बड़े ध्यान से डेडिकेटेड होकर अगर अच्छे तरीके से तैयारी करें तो आपके लिए बेहतरीन है। तो इसी तनाजुर को देखते हुए हमने लास्ट मंथ का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये गालबन हमारा लास्ट बैच होगा, बैच नंबर 5। आखिरी महीने का इसका कंप्लीट जो है प्रिपरेशन का हमारा प्लान भी, और इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो कल ख़त्म हो जाएगी। मतलब आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आज तारीख है 29 जून 2019, और कल 30 जून 2019 लास्ट डेट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे 1 जुलाई से टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट सेशन के बारे में डिटेल से बताता हूँ, कई सारे उस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इसको कैसे होगा। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की, यहाँ पे ऊपर तो सारी डिटेल लिखी है, और यहाँ से आप अगर देखें तो ये 1 जुलाई है, तो इसको सिर्फ प्रोफेशनल टेस्ट होगा यानी कि पेपरा रूल्स का होगा। उससे 2 जुलाई को टेस्ट आपका होगा ऑडिटिंग का, लेक्चर नंबर 1 से 5 तक, और कोई भी नहीं बाकी होगा। इसके अलावा 4 जुलाई से लेके आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर का टेस्ट होगा, और साथ में आपका इंग्लिश के कंप्लीट टेंसेस का टेस्ट हो जाएगा, और साथ में 7 जुलाई से आपका जनरल लेजर एंड कैश बुक का होगा, और साथ में आपका एक्टिव पैसिव का लेक्चर होगा। इसके बाद आगे चलते जाएँ तो ये सारे का सारा आपके पास प्लान है, 12 से 13 से 14 चलते जाएँ तो हमारी छुट्टी कहीं पे भी नहीं है। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक्सपेक्टेड है कि 28 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ टाइम विल बी देन हम क्या करेंगे, जो ऑडिटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, इनके दो दो फिर से टेस्ट ले लेंगे, मतलब लेक्चर जो 1 से 20 तक और फिर 21 से 45 तक। और इसी तरीके से फिर हम 30 को हम इंग्लिश पूरी जो है उसका टेस्ट कर देंगे, और 31 जुलाई 2019 को हम ऑल प्रोफेशनल पार्ट का भी टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे 1 महीने में, कहीं ब्रेक नहीं है, लेकिन दिन में 5 लेक्चर लेना कोई मसला नहीं है, 25-30 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो इट्स मीन के 3 घंटे आपके लगातार लिसनिंग में चले जाएंगे, और 1 घंटा अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स को भी जो PDF में है वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, जो हर लेक्चर के ऊपर टॉप पे होता है, आप उसको ओपन करके भी साथ में रीडिंग भी कर सकते हैं। तो हार्डली अगर 5 से 6 घंटे आप लगाएं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपके भी 90% जो है कामयाबी के चांसेस हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की मैंने डेट का बता दिया है, इससे लेट अब जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये होता था बैच 1, 2, 3 था, तो 1 में अगर कोई लेट हुआ था तो 2 में ज्वाइन कर जाता था, 2 में लेट होता था, 3 में ज्वाइन कर जाता था, 4 में ज्वाइन लेट हुआ तो 5th का अब का उसके पास चांस है, तो मैं थोड़ा सा गुंजाइश कर लेता था। अब लास्ट बैच है, अगर आप पहले दिन से साथ नहीं दूसरों के चलेंगे तो आप
पीछे रह जाएंगे। और कोशिश करें कि डेली का जो टेस्ट है उसमें ज़रूर अपीयर हूँ। जितनी भी तैयारी आपकी, अगर किसी की कम है उसको रेड कर लें, अपने पास रिकॉर्ड कर लें कि ये आपके पास जो पार्ट है अभी तक रहता है, क्यों आप इसको इन टाइम टेस्ट नहीं दे सके। दूसरों के साथ चलें, पर डे जो रूटीन चल रही है उसको चलें साथ। एक दिन में आपने स्किप किया तो जी मैं पिछले वाला पहले करूंगा तो बाद में आगे चलूंगा, तो चीज़ें जंबल अप होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे उसका बेहतर तरीका जो है ये है कि आप जो डेली बेसिस पे वो करते जाएँ, जो अगर बच जाए उसको बाद में आप कर लेना। तो साथ चलेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी सारे सवाल कर रहे होते हैं कि आपकी तैयारी का प्लान क्या होगा, वो भी आपसे बता देता हूँ कि वीडियो लेक्चर सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और सारे के सारे 2019 एफपीएससी ने जो सिलेबस रिकमेंड किया था उसके हिसाब से। इसके अलावा टॉपिक वाइज जो है डेली क्विजेज भी हैं, और इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज क्विजेज भी हैं और डेली क्विजेज भी होंगे। इसके अलावा समराइज लेक्चर भी, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनके एंड पे एक पूरा लेक्चर है, मतलब उसमें सारी डिटेल बताई गई है, मतलब ए से जी तक ओवरऑल मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कंसेप्ट। इसके अलावा हमारे जो 15 मॉक टेस्ट होंगे, अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आप उसको भी, दूसरे जो सीनियर मेंबर्स हैं बैच 1, 2, 3, 4 के, जो ही डेट अनाउंस होगी एफपीएससी के डेट की एग्ज़ाम की, तो हम इस मॉक टेस्ट को दोबारा से, जो 15 मॉक टेस्ट हैं उनको हम अटैम्प्ट करवाएंगे। इसके अलावा जो आपको वक्तन फवक्तन और पेपर से पहले भी बताऊंगा, गाइडलाइन बताऊंगा कि आपने पेपर में जब जाना है तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। लेट्स सपोज आपकी 20% तैयारी, 40% तैयारी है, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई मतलब जीरो से कहे तो मैं ट्रिक और टिप्स पे पास हो जाऊंगा तो वो मुश्किल है। जिसने कम अज़ कम सिलेबस को गो थ्रू किया है तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एंड पे सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने कैसे लेके चलना है, तो वो जब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होने से एक दो दिन पहले बता दूंगा। तो आप जब वेबसाइट को डायरेक्ट भी विज़िट कर सकते हैं, www.harvardacademy.com। इसके अलावा अगर आप इसी सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको फर्दर मैं अगला प्रोसीजर बताऊँगा और आप इस तरीके से इसका हिस्सा बन के अपनी कामयाबी को समेट सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।